भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। यहां आपको मंदिर के अंदर हिंदुओं से लेकर मुसलमान और सिख भी मिल जाएंगे। दरगाह के अंदर मुसलमानों के साथ साथ हिंदू और सिख भी कव्वाली सुनते मिलेंगे और गुरुद्वारे के अंदर सिखों के साथ हिंदू मुस्लिम लंगर खाते मिलेंगे। लेकिन इन्हीं के साथ हमारे देश में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके अंदर गैर हिंदुओं के प्रवेश की मनाही है, यानी कि इन मंदिरों में केवल हिंदू ही जा सकते हैं। किसी भी अन्य जाति धर्म या संप्रदाय के लोग मंदिर में नहीं घुस सकते हैं। जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर, तो वहीं अगर मुसलमानों की बात करें तो उनके पवित्र स्थल मक्का में भी कोई हिंदू नहीं जा सकता। यह आपने जरूर सुना होगा, पर ऐसा क्यों है? और क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम मक्का मदीना चला जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? हर कोई ये जानना चाहता है और आज की इस वीडियो में हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं कि मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकते और अगर चला भी जाए तो उसका क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, उसकी राजधानी रियाद है और करेंसी रियाल। यहाँ पर कच्चा तेल और खजूर बहुत ज्यादा होता है। कच्चे तेल की बदौलत ये दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। इसके अलावा अपने टूरिज्म से भी सऊदी बहुत अच्छा पैसा कमाता है। मक्का मदीना सऊदी अरब के दो अहम शहर हैं। जी हाँ, दो। अक्सर लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और लोग इसे एक ही समझते हैं। वैसे तो किसी भी देश की राजधानी सबसे ज्यादा फेमस और डेवलप्ड होती है, जैसे आप अपने देश को ही देख लीजिए। भारत का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले दिल्ली दिल में आ जाती है, लेकिन जब कभी कोई सऊदी अरब का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में रियाद नहीं बल्कि मक्का और मदीना ही आता है। सऊदी में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी यहीं पर आते हैं, क्योंकि ये दोनों शहर इस्लाम के सबसे पवित्र शहर माने जाते हैं और दुनिया भर के मुसलमान यहाँ हज करने के लिए आते हैं। वो मक्का में काबे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है, और फिर वो मदीना में पैगंबर मोहम्मद की कब्र की जियारत करने के लिए जाते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जो इंसान चार धाम की यात्रा कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह से मुसलमानों में माना जाता है कि जो इंसान हज कर लेता है वो सारे गुनाहों से पाक हो जाता है। इसीलिए हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले कम से कम एक बार तो वो हज की यात्रा कर ही। मुसलमानों के लिए जगह इतनी अहमियत रखती है कि वो दुनिया में कहीं भी हो पर नमाज काबे की तरफ मुंह करके ही पढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए कितना मायने रखता है। अब आते हैं अपने मूल सवालों पर कि आखिर वहां हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता, अगर हिंदू वहां चला जाए तो उसका क्या हाल होगा। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जिसमें दावा किया जाता है कि मक्का में शिवलिंग है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि ये सरासर गलत है, इन दावों में कतई भी सच्चाई नहीं है। अब आते हैं सवाल पर कि जब ऐसा नहीं है तो फिर हिंदुओं क्यों नहीं जाने दिया जाता। आपको बता दें मक्का जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर जिद्दा है, जो कि एक बंदरगाह है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग के सेंटर पर भी है। जिद्दा में रास्तों पर कई तरह के बोर्ड लगे होते हैं और उन पर हिदायत लिखी हुई होती है कि मक्का मदीना में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग यानी मुसलमान ही आ सकते हैं, मतलब दूसरे मजहब को मानने वाले लोगों का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है। जिद्दा से मक्का जाने वाले रास्तों पर जो हिदायत या सूचना लिखी होती है वो सब अरबी जुबान में लिखी होती है, इसीलिए हर कोई नहीं पढ़ सकता। पहले यहाँ पर लिखा होता था काफिर का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है, लेकिन आज के समय में इस लाइन को बदल कर लिख दिया गया है नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है। गैर मुस्लिम यानी हिंदू, यहूदी, पारसी और बौद्ध भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते। अब सवाल है ऐसा क्यों? तो इस मामले पर इस्लाम के एक आलिम का बयान है जिन्होंने इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। एक महिला ने आलिम से सवाल किया कि आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन जब आप लोग साल में एक बार हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो वहां पर हिंदू को क्यों नहीं जाने देते हैं? अगर आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं तो फिर मक्का मदीना में जाने की हिंदुओं को इजाजत क्यों नहीं है? इस सवाल के जवाब पर आलिम ने बताया कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है। जिस तरह से हम भारत के नागरिक होने के बाद भी भारत के कुछ हिस्सों में नहीं जा सकते, खास तौर पर उन जगहों पर जहां सेना की छावनी होती है यानी कैंट वाले एरिया में,
ऐसी जगह पर केवल वतन पर जान लुटाने वाले ही जा सकते हैं, जैसे सेना में भर्ती हुए जवान। ठीक इसी तरह से मक्का और मदीना भी है, जिसे इस्लाम की छावनी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल वही जा सकता है जो इस्लाम पर अपनी जान लुटा सकता है। इसलिए मक्का मदीना में केवल मुसलमानों को जाने की इजाजत है। आलिम ने एक बात और कही, जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो हमें वीजा की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास वीजा नहीं होगा तो हमें किसी दूसरे देश का टिकट ही नहीं दिया जाएगा। ऐसे मक्का मदीना जाने के लिए भी वीजा की जरूरत होती है, और वो वीजा इस्लाम का कलमा है। अगर कोई मक्का मदीना जाना चाहता है तो वह कलमा पढ़ ले, उसके बाद वह आराम से मक्का मदीना जा सकता है। तो दोस्तों, इस कारण से मक्का मदीना में गैर मुस्लिम और इस्लाम को ना मानने वालों को जाने से रोका गया है। अब आते अपने दूसरे सवाल पर कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना चला गया तो क्या होगा। बता दें, मक्का में जाने के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता पड़ती है, जिस बात का सबूत होता है कि यहाँ जा रहा व्यक्ति मुस्लिम है। परमिट देते वक्त इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि यहाँ गलती से भी कोई गैर मुस्लिम ना जाने पाए। मान लीजिए कि बावजूद इसके कभी ऐसा हो जाता है तो उस इंसान पर सरकार की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे देश से निकाल भी दिया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी गैर मुस्लिम के प्रवेश करने से इस पाक जगह की पवित्रता खंडित हो जाएगी। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल बच गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर आप Facebook पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से जल्दी लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।